ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज शाम करीब 4 से 5 बजे के आसपास रेती बंदर 4 नंबर में करंट लगने से एक 23 साल के युवक अजय कांबले की मौत हो गई। रेती बंदर 4 नंबर परिसर में एक ठाणे महानगर पालिका के शौचालय में पानी के लिए जो मोटर लगाया गया है, उस मोटर का वायर कहीं खुला होने की वजह से पाइप में करंट उतर गया था। इसी दौरान शौचालय के पास से अजय कांबले गुजर रहा था, तभी उसका हाथ पानी के पाइप पर पड़ गया और उसे करंट लग गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उसे छुड़ाया और अस्पताल लेकर गए, मगर वहां उसकी मौत हो गई। आरोप है कि शौचालय का बिजली का बोर्ड भी ठीक नहीं है और जगह जगह वायर भी खुले हुए हैं। लोग MSB को जिम्मेदार बता रहे हैं और MSB पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं लोगों ने बताया है कि सुबह के वक्त भी एक बच्चे को करंट लग गया था, मगर वो किसी तरह बच गया। स्थानीय लोगों ने भी अगर उस बच्चे को करंट लगते ही हरकत में आ जाती और अपनी जिम्मेदारी समझती और उसी वक्त उसे दुरुस्त करा लिया गया होता तो आज अजय कांबले इसका शिकार नहीं हुआ होता। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ बताया है हम आपको सुनाते हैं। काय बघतला नाही, खाली मी खाटावर झोपले होते, एक बाई मला बोलत बसली होती। हा, त्यांना आवाज दिल्यावर म्हटलं कशाचा आवाज आला, मग ती बाई बाहेर आले, मी तिच्या पाठीमागं आले तरी पोरं मारायला, 2 पोरं होती, त्यांनी मारलं, त्या खांबाला मारलं का त्या पोराला मारलं, चिटकलं होता मन तेवढं काय मी बघितलं नाही, ओरडलेलं तेवढा आवाज आलता, मग त्या पोरवाने मारलं काढलं, त्याची आई ती दोघं पोरं त्याला इकडं घेऊन गेली, बाकी मी काय बघितलं नाही। आवाज आलेला तेवढा ऐकल्यावर बाहेर आलो आम्ही, एवढंच करंट लागलेलं ना। हा, चिटकला होता ते असा, हे आहे ना, हे असं चिटकला होता, त्याला हाणाली पोर लाकडानं, मी त्या पोरवाला भांडाले का रे, त्या पोराला तुम्ही का मारायला होता, काय गुन्हा केलाय तुमचा, मला काय माहीत होतं तिथं चिटकलं आहे म्हणून, मी त्याला उलट भांडते, हे मारू नका त्याला, काय झालं रे लाकडानं मारायला। अजय श्रावण सोनकांबले वो बच्चे का नाम था। अभी जो भी हुआ है यहाँ पे, ये बाथरूम MMRD का है, जो अभी उसको वो पाइप पानी का पाइपलाइन में लोखंड का, और उसका जो मेंटेनेंस है वो किसके हाथ में मालूम नहीं। और जो अपना इधर का नगर सेवक है, कहाँ नगर सेवक अनिता केनी, अभी वो मेंटेनेंस एरिया का जो भी हलचल वो उनके जिम्मेदारी पे है, जो उनको देखना पड़े। ऐसे नहीं कि किसी की जान जाए तब इधर आके पूछें पाछी करें, इधर आके पूछना फिर क्या होगा क्या नहीं। तो मेरा कहना इतना है कि जो बच्चे का नुकसान हुआ है, जो उसके अभी माँ बाप को नुकसान है, अभी वो बेचारा अकेला घर पे कमाने वाले था, उसका बूढ़ा बाप है, बाप की भी हालत ख़राब है, तो अभी जो MMRD का और जो नगर सेवक है यहाँ का और MSCB का, जितने भी अधिकारी इसमें है ये एरिया के, उन पे ऊपर केस होना मांगता है जान का, इतना हम लोगों का ख्वाहिश है बस। बच्चे की अभी क्या हालत है जिसको करंट लगा? बच्चा अभी गुजर चुका है, उसका ऑफ हो गया। इसमें जो TMC के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो जवाबदार है और MSCB के वरिष्ठ अधिकारी वो भी जवाबदार, इसलिए है कि जो भी यहाँ पे जो भी जवाबदारी से काम होना चाहिए, अभी जो हम जो TMC का जो फिटिंग वगैरह, बहुत से जगह पे वायरें खुली है, बहुत से जगह पे मतलब वायर को वायर टच होता है तो ये करंट वो ऐसा ही वो पाइप से पास हुआ है बाहर, जो मोटर चालू थी और मोटर में से वो पाइप में करंट आया, तो ये बच्चे को मालूम नहीं था, बच्चे का हाथ लगा और बच्चा गुजर गया। तो इसमें TMC के जो वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि पूरा टोटल 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक जितने भी बाथरूम की मरम्मत हो रहा है ये चालू काम हो रहा है, और इसमें वरिष्ठ जो अधिकारी है MSCB के, इनका कुछ भी ध्यान नहीं है, इनके ऊपर 302 होना ही चाहिए। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। परिवार वालों पर अजय कांबले की मौत से आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से करंट लगने से अजय कांबले की मौत हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।